कृषि कानून को वापस लेने और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे वृद्धि के खिलाफ कोरबा में महिला कांग्रेस द्वारा झगरहा चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिला कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस ले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाम लगाए। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। धरना प्रदर्शन के बाद महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। किसान विरोधी जो इन्होंने कानून लागू किया है उसको वापस लेने के लिए, और जो डीजल और पेट्रोल के दाम और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी का ही नहीं तकलीफ है, ये आम जनता की भी तकलीफ है, और जनता के साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। इसलिए आज हम लोग रोड पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये लोग अपना पेट्रोल और डीजल का जो दाम है उसको कम करें। रसोई गैस के कारण और डीजल के कारण पूरी महंगाई बढ़ेगी, और आज कोरोना काल से ही हमारा देश जूझ रहा था, और इस महंगाई के मार से तो हमारा देश बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाएगा। इसलिए हम लोग मोदी जी से आह्वान करते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा आह्वान करती आई है कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम को कम करें, और किसान विरोधी जो उन्होंने कानून लिए हैं उनको ख़त्म करें। आज हमने किसान के तीन काले कानून, गैस के बढ़ते हुए दाम और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम जो दिन प्रतिदिन उच्च स्तर पर बढ़ते जा रही है, इस पर आज ने हम धरना प्रदर्शन किया, और हम ये चाहते हैं इसके बाद मोदी सरकार बराबर इस महंगाई को कम करे और लोगों को राहत दे। जो किसान बॉर्डर पे 2 महीना 3 महीना से बैठे हैं उनकी बात को सुने। ये कांग्रेस पार्टी की आवाज़ है, महिला कांग्रेस की आवाज़ है, हम सब पूरे शहर और देश की आवाज़ है। मीडियापुर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।